तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। और फ्रेंड्स सर, आज की यार इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस वाली कार को देखो यार। ये है टोयोटा सुप्रा टर्बो और ये बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड कस्टम कार है जो कि आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा कस्टम से मॉडिफाइड है। और साथ ही साथ में ये वाली कार 6 सिलेंडर के साथ आती है। आप देख रहे हो 6 के 6 सिलेंडर की वर्किंग है और ये वाली कार पूरी तरीके से कस्टम मॉडिफाइड है। तो इस वाली कार को आज की वीडियो में इंस्टॉल करने वाला हूं अपने GT5 में और आपको बताऊंगा कि इस कार को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे मैंने काफी सारे मोड्स जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखे अपने GT5 में और उन सारे मोड्स की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो इससे पहले ही मैंने टोयोटा सुप्रा का मोड इंस्टॉल किया था, जिसमें कि मैंने टोयोटा सुप्रा कार और टोयोटा सुप्रा की जो साउंड थी वो मैंने इंस्टॉल की थी अपने GT5 में। तो वो वाला मोड अलग था, उस वाले मोड की भी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है। तो आज की वीडियो में कस्टम टोयोटा सुप्रा को इंस्टॉल करने वाला अपने GT5 में। और फ्रेंड्स, अगर आपको मोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ मैसेज टेलीग्राम ग्रुप में ही करनी है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को बता सकूं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस कार को करने वाला हूं इंस्टॉल और इस कार की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस कार को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो लाइव वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, बड़ी वाला लाइव वॉलपेपर भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और इन वॉलपेपर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सुप्रा एड ऑन नाम से एक फोल्डर है मेरा, जो कि जिप फाइल है। तो इस जिप फाइल को करूंगा मैं एक्सट्रैक्ट। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल ले रहा हूँ और ये फाइल मेरी बाहर आ चुकी है एक्सट्रैक्ट होकर। तो उसको फोल्डर को मैं पहले आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एड ऑन है और एक रेडमी नाम से, तो आपको जाना एड ऑन में, फिर जाना अपडेट में, Into64 DLC पैक्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सुप्रा DR कस्टम नाम से एक फोल्डर है। तो इसके अंदर एक DLC.RPM नाम से फाइल है। तो इसी वाले फोल्डर को आपको इंस्टॉल करना है अपने GT5 के फोल्डर में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने GT5 की डायरेक्टरी ऑन कर लेनी है। एक तरफ अपने GT5 की डायरेक्टरी ऑन कर ले रहा हूँ, जहाँ पर आपका GT5 इंस्टॉल है, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरा जो फोल्डर है जो कि मैं सुप्रा इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो GT5 के फोल्डर में आने के बाद आपको जाना मोड्स में, फिर जाना आपको अपडेट में, Into64 DLC पैक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफी सारी कार्स और बाइक्स हैं जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखी है अपने GT5 में। और काफी सारी कार्स ऐसी हैं जो कि पेड हैं, तो उन पेड कार्स की लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना आपको किस कार की लिंक चाहिए, तो उस कार की लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले फोल्डर को ड्रैग करना है अपने GT5 के फोल्डर में, ठीक है। तो मैं इस वाले फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, जो भी आप चाहो कर सकते हो। मूव एन आप चाहो तो मूव कर लो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर मूव कर दिया है। तो अब आपको इन सारे फोल्डर्स को हटा देना है और GT5 का फोल्डर ओपन रहने देना आपको, क्योंकि GT5 के फोल्डर में जो हमने फोल्डर इंस्टॉल किया था, एक जो सुप्रा DR कस्टम नाम से दिखाई दे रहा होगा आपको, इस वाले फोल्डर का नाम हमें लिखना पड़ेगा OpenIV में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है अपना OpenIV। तो यहां पर मेरा OpenIV ऑन हो चुका है और अब मैं इसके एडिट मोड को करूंगा ऑन। एडिट मोड ऑन होने के बाद अब आपको जाना इसमें मोड्स के फोल्डर में, फिर जाना अपडेट में, update.rpf कॉमन, फिर जाना डेटा में। अब आपको इसमें नीचे आ जाना है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा DLCList.XML, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके करूंगा मैं एडिट, एडिट करना है इसको, ध्यान रखना एडिट करके ही करना है आपको। तो ये यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ओपन होकर आ जाएगा, जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर इन सारी कार्स की जो मेरी टेक्स्ट फाइल है वो यहाँ पर मैंने इसमें डाल रखी है। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सुप्रा DR कस्टम, यही नाम मुझे यहाँ पर डालना है। तो उसके लिए आपको ऊपर की कोई भी एक लाइन कॉपी पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पर मेरी दूसरी कार इंस्टॉल है, इसलिए मेरे ये वाली कार का नाम आ रहा है। आपके में जो भी लिखा हो, ठीक है, वो वाली लाइन आप कॉपी पेस्ट कर लेना। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करके करूंगा नीचे पेस्ट। और यहाँ पर जैसे कि मेरे S11 CMG लिखा है, तो यहाँ पर मैं इस कार का नाम लिख दूंगा जो कि सुप्रा DR कस्टम नाम से है, तो उसका मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पर। आपको स्पेलिंग एकदम सेम लिखनी है, जो भी स्पेलिंग इस फोल्डर की है वही स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है, सुप्रा DR कस्टम CUSTOM, ठीक है। तो जो सेम स्पेलिंग इस वाले फोल्डर की थी वही सेम स्पेलिंग मैंने इस वाले टेक्स्ट फाइल में लिखी है। तो यहां पर ही हो चुका, मैं कर दूंगा इसको सेव। सेव करते ही ये वाली कार आपकी GT5 में आ जाएगी, लेकिन ये वाली कार आपको कहां पर मिलेगी वो आपको दिखा दे रहा हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यहां तक अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मैंने काफी सारे मोड इंस्टॉल कर रखे हैं। और ये वाला लाइव वॉलपेपर भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमें आगे अपने GT5 में, और हम आपको दिखाऊंगा कि हम इस वाली कार को किस तरह से GT5 में स्पॉन करते हैं। तो इस वाली कार को मंगाने के लिए आपको 2 बार F3 प्रेस करना है, जिससे आपका मेन्यू PC ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना व्हीकल ऑप्शन पे,
फिर जाना आपको व्हीकल स्पॉन्डर, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स में आ जाना है और ये वाली कार आपको स्पोर्ट में मिलेगी। स्पोर्ट में आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है सुप्रा, ठीक है। सुप्रा देख रहा हूँ मैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर है मेरी सुप्रा डीआर कस्ट, तो ये है मेरी सुप्रा डीआर कस्टम जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी ली होगी। तो यार भाई ये वाली गाड़ी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इसके आप पीछे देख रहे हो 6 के 6 साइलेंसर जो भी है, ये 6 के 6 साइलेंसर वर्क कर रहे हैं और ये वाली कार बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। तो ये वाली कार यार मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई और ये वाली कार अगर आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे मोड्स के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।